हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज झुंझुनवाला एंड आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो मैंने कुछ IND AS 1116 के ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका है। सो लेसी का अकाउंटिंग हमने यूट्यूब पे डाल चुका है और मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले लिया हूँ IND AS 1116 से। लेसर का अकाउंटिंग डालना है ताकि आप वो वीडियोज सारा कंप्लीट कर लो, उसके जितने भी इलस्ट्रेशन है वो आप देख लो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, एक बार आप उसे डाइजेस्ट कर लो, फिर हम ये लेसर अकाउंटिंग डिस्कस कर लेंगे। सूनर और लेटर मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा बहुत ही जल्दी, आई होप सो एक दो दिन के अंदर मैं वो बाकी के रिमेनिंग पार्ट ऑफ IND AS 1116 भी मैं डाल दूंगा। चलो, तो आज आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होगे IND AS 21 हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ताकि जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, ये कुछ अमेंडमेंट नहीं है सच, बट जो भी मई 20 या नवंबर 20 के लिए अपीयर हो रहे सीए फाइनल के लिए, उसके लिए रेलेवेंट है। और जो प्रैक्टिकली भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट वगैरह पे, ऑडिट करने के लिए क्लाइंट वगैरह पे, तो उसके नॉलेज के हिसाब से भी रेलेवेंट है। चलो, तो IND AS 21 बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको ICAI मटीरियल दिखा दूँ, आप डरना मत, हम यहाँ से नहीं पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा एक चार्ट था, हम वहीं से पढ़ेंगे, बट ये मेक श्योर मैं करता हूँ कि आप स्टडी मटेरियल कर लोगे। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इलस्ट्रेशंस एज वेल एंड वी विल स्टडी द कंटेंट फ्रॉम आवर चार्ट। सो यहाँ पे देखोगे IND AS 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, आप एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि आप या तो कुछ ट्रांजेक्शन्स आपका फॉरेन एक्सचेंज में होता है, मतलब कुछ आप फॉरेन कंट्री से कोई ट्रांजेक्शन करें, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, आप कुछ परचेज ऑफ गुड्स फॉरेन कंट्री से कर रहे हो और आपका जो इनवॉइस बना हुआ है वो फॉरेन करेंसी में, तो आपका अब उस फॉरेन करेंसी को अकाउंट फॉर कैसे करोगे, उसके बैलेंस शीट डेट में कैसे उसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करोगे, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और सेटलमेंट जब होता है तो डी रिकग्नाइज कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए एज एन ऑडिटर, चाहे एज एन अकाउंटेंट। आप अगर एक अकाउंटेंट भी हो कंपनी के तो भी आपको ये पता होना चाहिए, और आप कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड पूरा स्टैंडर्ड उसी से डील करता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो हम डिस्कस करते हैं क्या है ये बेसिकली। चलो, आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने एक पेज में कुछ बनाया हुआ है, ये बेसिकली चार्ट है IND AS 21 पे, मेरा हैंड रिटन चार्ट है एंड थोड़ा हैंड राइटिंग में हो सकता है किसी किसी को इशू, बट मैं एक बार थ्रू आउट रीड करूंगा, तो आपको जो भी वर्डिंग में आपको दिक्कत आ रही हो कि हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वहां से कैच कर लेना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू द स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी बहुत ही एम्फसाइज की गई है, एक फंक्शनल करेंसी और एक प्रेजेंटेशन करेंसी। तो फंक्शनल करेंसी कुछ होता है हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होता है बेसिकली, जिस करेंसी में आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो, ठीक है, टू द यूजर्स, जिस करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रेजेंट करते हो बेसिकली, दैट इज प्रेजेंटेशन कंट्री, वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट। ठीक है, अब फंक्शनल करेंसी क्या होता है, फंक्शनल करेंसी एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो फंक्शनल करेंसी ऐसा करेंसी होता है जिसमें एंटिटी कैरीज आउट इट्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज फंक्शनल प्रेजेंटेशन, जिसमें आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें आप फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हो सकता है कि आप फंक्शंस किसी और करेंसी में कर रहे हो और आप प्रेजेंटेशन किसी और करेंसी में दिखाना चाह रहे हो सकता है। तो देयरफॉर IND AS 21 हैज यूज टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, प्रेजेंटेशन करेंसी एंड फंक्शनल करेंसी। तो प्रेजेंटेशन करेंसी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिसमें आप दिखाओगे यूजर्स को कि आपका ये नंबर्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपका प्रेजेंटेशन करेंसी। मगर फंक्शनल करेंसी जिसमें आप फंक्शंस तो कैरी आउट करते हो, बट डिटरमाइन कैसे करोगे कि आपका फंक्शनल करेंसी क्या है, हो सकता है आप तीन चार करेंसी में आप कर रहे हो अपना फंक्शंस, तो कौन सा करेंसी को आप फंक्शनल करेंसी बोलोगे। तो IND AS ने कुछ क्राइटेरिया दिया है, कुछ फैक्टर्स दिया है, वो फैक्टर्स कंसिडर करके आपका कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, जो भी TCWGs वगैरह होंगे, वो डिटरमाइन करेंगे आपका फंक्शनल करेंसी होगा क्या। तो IND AS 21 ने दो चीज बताया, एक प्राइमरी फैक्टर और उसके बाद सेकेंडरी फैक्टर,
प्राइमरी फैक्टर को आप कंसिडर करोगे फिर सेकेंडरी फैक्टर को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो प्राइमरी फैक्टर आप देखोगे यहाँ पे, चलो अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, तो यहाँ पे मैं फंक्शनल करेंसी का बता रहा हूँ और ये प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर, ठीक है। इस पर बेसिकली नवंबर 19 के क्वेश्चन में इस पर बताया भी था कि फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने होते हैं, ये क्वेश्चन एक आया था नवंबर 19 में। तो यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, वैसे भी आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली। प्राइमरी फैक्टर अफेक्ट दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द रिटर्न। आपका जो भी करेंसी कॉस्ट ऑफ गुड्स को मोस्टली अफेक्ट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ अगर आप सर्विसेज में डील करते हो तो सर्विसेज का कॉस्ट को अफेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली जिसके कारण आपका रिटर्न इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो करेंसी आपका फंक्शनल करेंसी होगा। पहला फैक्टर ये आप ये देखोगे। उसके बाद आपका प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, आप जिस करेंसी में आप अपना प्रोडक्ट को प्राइसिंग कर रहे हो उस करेंसी को भी आप फंक्शनल करेंसी बोल सकते हो। देन आफ्टर यूज्ड बाय द कॉम्पिटेटिव बिजनेस, आपके सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में जो कंपनी है, आपसे सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में जो कंपनी है वो कंपनी कौन सी करेंसी को यूज कर रही है वो भी आप कंसिडर एज अ प्राइमरी फैक्टर करोगे, ठीक है। ये तीनों फैक्टर को डिटरमाइन करके आपको जो लगता है जो सबसे ज्यादा, ये बेसिकली सब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है, आपको ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका यही करेंसी फंक्शनल करेंसी होगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। आप तीनों में से देखोगे जो करेंसी आपका तीनों में से सबसे ज्यादा जो क्लोज है तीनों से, उस करेंसी को आप फंक्शनल करेंसी बोलोगे। उसके बाद आप सेकेंडरी फैक्टर क्या क्या देखोगे, करेंसी इन विच मोस्ट ऑफ द फंडिंग इज ऑब्टेंड। आप कोई बैंक लोन लेते हो चाहे थर्ड पार्टी लोन वगैरह लेते हो, तो कौन से करेंसी में वो डेनोमिनेटेड है, ठीक है, कौन से करेंसी में आपको वो फंडिंग मिल रहा है, ठीक है, और उसमें इन मोस्ट करेंसी इन विच मोस्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकर, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकर हो रहा है उस करेंसी को आप बेसिकली बोलोगे इज द योर फंक्शनल करेंसी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो आपको फंक्शनल करेंसी करने देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, प्राइमरी फैक्टर सेकेंडरी फैक्टर, समझ में आती। प्राइमरी फैक्टर में हम क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद आपका अगर सर्विसेज तो सर्विसेज, और जो अल्टीमेटली आपका रिटर्न इफेक्ट करेगा। देन आफ्टर आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट किस करेंसी में प्राइसिंग हो रही है, और उसके बाद कौन सी करेंसी आपका कॉम्पिटेटिव बिजनेस यूज कर रहा है, ठीक है, ये तीनों बात आप देखोगे प्राइमरी फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सेकेंडरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर में जिस करेंसी में आप फंडिंग ऑब्टेन कर रहे हो और जिस करेंसी में आपका मोस्ट ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकर हो रहा है, वो सारे फैक्टर्स को आप देखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो, ठीक है, अब हो सकता है आपका फंक्शनल करेंसी और ट्रांजेक्शन करेंसी मे बी डिफरेंट। ट्रांजेक्शन करेंसी तो जिस करेंसी में आप ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल परचेज कर रहे हो, तो उस वो करेंसी आपका डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कंसिडर करके, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आपने फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन किया, आपका फंक्शनल करेंसी रुपीज है, ठीक है। अब आपका हो सकता है कि आप कुछ अमेरिका के वेंडर के साथ आप कुछ परचेज कर रहे हो और उसको आपको पेमेंट करना है यूएसडी में, तो आपका ट्रांजेक्शन करेंसी क्या हो जाएगा, डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शनल करेंसी एंड ट्रांजेक्शन करेंसी आर डिफरेंट तो आप क्या करोगे, पहला बात आता है इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसके बाद हम देखेंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन आप स्पॉट रेट पे कर दोगे या एवरेज रेट ले लोगे, स्पॉट रेट या एवरेज रेट। तो एवरेज रेट हो सकता है कि आप एक वीक का ले लो चाहे एक मंथ का ले लो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप उस दिन का सीधा सीधा स्पॉट रेट ले लो, कुछ भी आप परचेस करो, वेदर इट इज एन एक्सपेंसिव आइटम, वेदर इट इज कुछ कैपिटल गुड्स वगैरह परचेस कर रहे हो, उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे आप एज स्पॉट रेट पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हो सकता है आपका कुछ ट्रांजेक्शन सेटल्ड हो जाए आपका बैलेंस शीट डेट पे से पहले ही। फॉर एग्जांपल आप कुछ 31 जुलाई 2018 को कुछ परचेज करे हो, ठीक है, अब 31 जुलाई 2018 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो 31 मार्च 2019 को बन रहा है, ठीक है, 31 मार्च 2019। तो हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन आपका 31 मार्च 2019 से पहले ही आपने पेमेंट करना था कर दिया आपने, ठीक है, और हो सकता है कुछ आपने 31 मार्च 2019 को पेमेंट नहीं किया और वो एज अ पेबल आ रहा है, ठीक है। तो दो केसेस हुआ, अगर सेटल ट्रांजेक्शन है तो आप जो भी डिफरेंस होगा वो आप गेन और लॉस पी एंड एल में बता दोगे, ठीक है। अब
एक मैं एग्जाम्पल से इसे समझाने का कोशिश करता हूँ, आपको आई होप ज्यादा क्लैरिटी आए, दैट्स व्हाई. आप कुछ परचेज कर रहे हो, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज कितना, ओके डॉलर में आप परचेज कर रहे हो, यूएसडी लेट्स से 20,000, ठीक है. आपका स्पॉट रेट था 65. चलो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है आपका ऑन 31 जुलाई 2018 को हुआ. अब आता है दो केस हो सकता है. केस वन में आपका हो सकता है कि ये सेटल हुआ, आपको सेटल हो गया फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को. दूसरा केस में, केस टू, ये आपका अनसेटल्ड रह गया, ठीक है, अनसेटल्ड ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है. अब ये दो केस है. तो आप फॉर एग्जांपल आपने परचेज जो किया ये आपने क्रेडिट पे किया, आपने कैश उसी टाइम पे नहीं किया, तो आप क्या एंट्री डालोगे? पहला तो मशीनरी का, मशीनरी आपने परचेज किया है, टू पेबल का एंट्री डालोगे, कैपिटल क्रेडिटर्स बेसिकली. तो मशीनरी का जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, 20,000. आप स्पॉट रेट चाहे एवरेज रेट ले सकते हो, तो स्पॉट रेट आपका क्या था, 65. और यहाँ पे मैं क्लोजिंग रेट भी डाल देता हूँ. स्पॉट रेट क्या था, क्लोजिंग रेट आपका ले लेता हूँ लेट्स से 70, ठीक, क्लोजिंग रेट आपका 70 हो गया. और आपका 31 जुलाई का जो रेट है, 31 जुलाई 2018 का जो रेट है वो लेट्स से 67 हो गया, ठीक है. ये सारे रेट्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में. तो आपने इनिशियल रिकग्निशन तो ये कर दिया. आपने इनिशियल रिकग्निशन क्या करना था, स्पॉट रेट या एवरेज रेट पे करना था. अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन सेटल ट्रांजेक्शन. सेटल ट्रांजेक्शन में आप एक्सचेंज को, डिफरेंस को कहाँ ले जाओगे, पी एंड एल में, ठीक है. तो अब क्या होगा कि मशीनरी है, अब मशीनरी को तो आप टच नहीं करोगे. अब इसमें क्या है कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम और ये मॉनेटरी आइटम, ये आपको यहीं पे सेग्रीगेट कर लेना पड़ेगा. आप इनिशियल रिकग्निशन में सेग्रीगेट कर लोगे कि आपने जो भी इनिशियल रिकग्निशन में कुछ भी जो आइडेंटिफाई किया है, जो ट्रांजेक्शन डाला है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड वाला, उसमें कौन सी मॉनेटरी आइटम है, कौन सी नॉन मॉनेटरी आइटम. नॉन मॉनेटरी आइटम को आप सब्सिक्वेंटली टच नहीं करोगे, वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है. अब मॉनेटरी आइटम को आप छेड़छाड़ करोगे. मॉनेटरी आइटम बेसिकली आपका वो आइटम सब रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपका कैश फ्लोज होगा, कैश फ्लोज होगा उसका सेटलमेंट के लिए. और वो जो कैश फ्लोज होगा वो फॉरेन करेंसी में बेसिकली यूजुअली होगा, जो आपका अदर देन फंक्शनल करेंसी है. तो मशीनरी के लिए तो कुछ भी कैश फ्लोज नहीं होगा, बट पेएबल के लिए होगा. पेएबल के लिए तो आपको सेटल करना पड़ेगा ना फॉरेन करेंसी में. सो फॉर दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दैट आपको ये मॉनेटरी आइटम है. चलो अब 31 जुलाई जब आप सेटलमेंट कर रहे हो, 31 जुलाई को आप जब सेटलमेंट कर रहे हो, तो केस वन, तो आप पेबल को कितना पे करोगे, पेबल को आप कितना पे करोगे, 67 के हिसाब से पे करोगे, 20,000 को 67 के हिसाब से पेबल को, एक सेकंड, ये अमाउंट आप पे करोगे सेटलमेंट करने के लिए. बैंक से आपका इतना फ्लो होगा, बट आपने पेबल रिकग्नाइज कितना किया था, इतना का पेबल रिकग्नाइज किया था. अब जो भी ये डिफरेंस है पी एंड एल में, आपका एक्सचेंज पी एंड एल में आपका एक्सचेंज डिफरेंस लॉस चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है. आप देख रहे हो इतना का आपको लॉस हो रहा है, तो ये आपका एंट्री चल जाएगा एज ऑन सेटलमेंट डेट, ठीक है, आपका एक्सचेंज डिफरेंस. दूसरा केस वैसे ही देख लेते हैं. आपका पेबल को आप पेबल, आप बेसिकली आप इस केस में आप सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, एज ऑन 31 मार्च आपका वो आइटम पड़ा हुआ है, तो आपका मॉनेटरी आइटम को क्या करना पड़ेगा, रीइंस्टेट करना पड़ेगा. आज एज ऑन बैलेंस शीट डेट अगर आज आप पेमेंट करते हो, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा उस अमाउंट पे, आपको पेबल को रीइंस्टेट करना पड़ेगा. तो आप पेबल को क्या करोगे, आपका पेबल किस रेट पे हो गया, 70 पे,
तो आपको ₹5 से बढ़ाना होगा, तो टू पेएबल आपको ₹5 से बढ़ाना होगा ना, इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5। अब ये आपका कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल में, ठीक है। तो ये बेसिकली आप सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करोगे। सेटल ट्रांजेक्शन का मैंने एक्सचेंज डिफरेंस पी एंड एल। अब अनसेटल ट्रांजेक्शन में अगर मॉनिटरी आइटम है क्लोजिंग रेट, ठीक है, क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनिटरी आइटम, इतना हमने कर लिया है। अब ये दो केसेस हमें देखना है। मॉनिटरी आइटम का तो हमने क्लोजिंग रेट पे ला दिया, यहाँ पे क्लोजिंग रेट पे हमने नॉन मॉनिटरी आइटम का एज ऑन बैलेंस डेट सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर दिया। नॉन मॉनिटरी आइटम का क्या होता है, नॉन मॉनिटरी आइटम अगर फेयर वैल्यू पे कैरिड है, ठीक है, नॉन मॉनिटरी आइटम फेयर वैल्यू पे अगर है, तो रेट व्हेन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यूएशन इज डन, ठीक है, आप बैलेंस डेट पे वगैरह पे तो नहीं करोगे, ठीक है। लेट्स से आपका पीपी का कॉस्ट था $10,000, ठीक है, और आपने ₹60,000 डिटरमाइन किया, सॉरी ये एट द रेट 60 होगा, यहाँ पे ये $10,000 एट द रेट ₹60, ठीक है, $1 का ₹60 है। बाद में जब आपने फेयर वैल्यूएशन किया, जो भी नॉन मॉनिटरी आइटम, फॉर एग्जांपल मशीनरी का हमारा ये था एग्जांपल, मशीनरी अगर ये आप इसको अकाउंट फॉर करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे अगर अकाउंट फॉर करते हो, तो फिर इस केस में आ जाएगा। मशीनरी का करना पड़ेगा कब, जब आप फेयर वैल्यू करते हो, जिस डेट पे आप जाके फेयर वैल्यू करते हो, तो लेट से आपने पीपी कॉस्ट पे परचेज किया था $10,000 एट द रेट ₹60, यहाँ पे 60,000 आ गया, तो ये मिस्टेक है मेरा, एट द रेट ₹60। फेयर वैल्यूएशन आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्सिक्वेंट डेट पे आपने जाके फेयर वैल्यूएशन किया, और इस मशीन प्लांट का आपने अपवर्ड वैल्यूएशन $1,000 से कर दिया, और उस डेट पे रेट था आपका 70, ठीक है, उस डेट पे आपका रेट था 70, सो पहले 60 था, देन आफ्टर इट बिकेम 70, तो आपका जो फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट आ रहा है $11,000। तो अब जो आप रिवैल्यूएशन करोगे इलेवन थाउजेंड इंटू सेवेंटी आपका न्यू पीपी का वैल्यू हो जाएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इसका और ये 6 लाख का डिफरेंट, ये आएगा बेसिकली 7,70,000, और ये 6 लाख जो इनिशियल रिकग्निशन था, तो ये आपको जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपको ओसीआई में चला जाएगा। कुछ पार्ट तो आपको रिवैल्यूएशन की वजह से गया होगा, 1,000 into 70, सो बेसिकली 70,000 इज ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, एंड बैलेंसिंग 1 लाख इज ऑन अकाउंट ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, तो आपको डिफरेंस ओसीआई में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। चलो अब आपका आता है, आप नॉर्मल अकाउंटिंग तो देख ली कि नॉर्मल अकाउंटिंग कैसे होता है, नॉर्मल आप सेल्स परचेज करोगे, आपका पर्सनल करेंसी डिफरेंट है, ट्रांजेक्शन करेंसी डिफरेंट है, तो आप कैसे अकाउंट फॉर करोगे, ये जो पार्ट था ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है, इतना पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी मोर ऑफ टेक्निकल पार्ट है, मगर ये भी आपको करना ही पड़ता है, बट ये सबसे ज्यादा होता है, बाकी थोड़ा रिलेटिवली कम करना पड़ता है। अब आया फंक्शनल करेंसी फॉर ब्रांच सब्सी एंड एसोसिएट। आपका कोई कंपनी है जिसका फॉरेन ब्रांच है, चाहे फॉरेन सब्सिडरी है, चाहे एसोसिएट है, चाहे सेम कंट्री में है, डजंट मैटर, उसका फंक्शनल करेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब इसके लिए एक चीज देखना होता है कि क्या वो सब्सी है, चाहे वो ब्रांच, चाहे वो एसोसिएट, कुछ भी है, वो क्या एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट है, क्या वो एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट है, चेक इफ दैट बिजनेस इज एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट, बेसिकली वो पेरेंट का ही एक्सटेंशन है, मतलब उसी का एक पार्ट है, कि वो इंडिपेंडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एज अ पार्ट ऑफ सारा डिसीजंस वगैरह सब कुछ वो पेरेंट कर रहा है, सारा उसका जो धंधा है वो पेरेंट के बदौलत ही चल रहा है, फंडिंग वगैरह सब पेरेंट देगा, सेल्स जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह भी मोस्टली पेरेंट से हो रहा है, तो वो काइंड ऑफ एक्सटेंशन हो गया, वो एक पेरेंट ने एक अपना एक न्यू लोकेशन बना लिया, दैट्स इट, एक न्यू लोकेशन, एक काइंड ऑफ एक हेडक्वार्टर, एक ब्रांच ऑफिस है, दैट्स इट, उससे ज्यादा उसका कोई फंक्शन है नहीं। तो अगर वो एक्सटेंशन है, अगर वो एक्सटेंशन है, तो फंक्शनल करेंसी एज दैट ऑफ पेरेंट हो जाएगा,
ठीक है, फंक्शनल करेंसी एज दैट ऑफ पेरेंट ही हो जाएगा। आप पेरेंट का फंक्शनल करेंसी आपने यहाँ पे डिटरमाइन किया था, वही करेंसी आपका इसका भी हो जाएगा, ब्रांच सबसे और एसोसिएट का भी हो जाएगा। अगर वो एक्सटेंशन नहीं है, अगर वो एक्सटेंशन नहीं है, तो उस ब्रांच चाहे उस सबसे चाहे उस एसोसिएट के लिए भी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर देखोगे और फिर डिटरमाइन करोगे कि उसका फंक्शनल करेंसी क्या है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हम एक्सटेंशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या ये खींचा हुआ है तो एक्सटेंशन है? नहीं, कुछ तो फैक्टर, कुछ तो इंडेक्स बोला होगा ना कि क्या फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, तो चलो वो डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो चेक इफ इट इज फंक्शनल करेंसी फॉर पेरेंट ब्रांच एंड एसोसिएट, चेक इफ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ पेरेंट। अगर यस है तो फंक्शनल करेंसी सेम एज दैट ऑफ पेरेंट होगा, नो है तो फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर देखोगे। ठीक है, इतना बात हमने डिस्कस किया। अब कैसे डिटरमाइन करोगे डिटरमिनेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, इसमें क्या क्या फैक्टर्स देखना पड़ेगा? नॉट हैविंग ग्रेटर ऑटोनोमी, जो ब्रांच है चाहे एसोसिएट है चाहे सफसी है, उसके पास ग्रेटर ऑटोनोमी नहीं, मतलब वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता है, सारी चीज के लिए उसको पेरेंट पे डिपेंडेंट है, जो भी उसका ऑपरेशनल डिसीजन है या फाइनेंसिंग डिसीजन है सब पेरेंट ले रहा है। ठीक है, उसके बाद मेजर कैश फ्लो ट्रांजेक्शन विद पेरेंट, जो भी मेजर कैश फ्लो ट्रांजेक्शन है वो पेरेंट से हो रहा है, चाहे वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है चाहे वो अदर सेल्स पर्चेस से रिलेटेड है, मगर जो भी कैश फ्लो ट्रांजेक्शन है वो पेरेंट से कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद पेरेंट, जो भी बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन है, बड़ा परचेज है, चाहे कोई कैपिटल एसेट परचेज कर रहा है पेरेंट से मिल रहा है उसे, तो कोई भी जो बड़ा सिग्निफिकेंट उसका ट्रांजेक्शन है जिसका वो ऑपरेशनल रिजल्ट इफेक्ट कर रहा है, वो पेरेंट्स के साथ हो रहा है। ठीक है, और कांट सर्विस इट्स ओन डेट ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस, अपना वो जो डेट लिया हुआ है वो इंडिपेंडेंटली सर्व नहीं कर सकता है, वो सर्विस नहीं कर सकता, मतलब उसको पेरेंट का हेल्प चाहिए उसका डेट सर्विस करने के लिए, उसका डेट का पेमेंट करने के लिए, डेट ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए पेरेंट का हेल्प चाहिए। तो उस केस में आप बोलोगे, ये सारे फैक्टर्स देख के आप बोलोगे कि क्या वो एक्सटेंशन है या नहीं है। इधर भी वैसे ही आएगा, आपका सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगा और आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप पेरेंट सबसे का भी वैसे ही फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन कर लोगे। अब आपको याद होगा अगर आप AS 11 पढ़े होगे तो उसमें कुछ पैरा 46 एंड 46A दिया हुआ था, जिसमें था कि अगर आप कुछ बोरिंग करते हो फॉरेन करेंसी में, अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट है तो इंस्टेड ऑफ आप उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है P&L वगैरह में रिकॉग्नाइज करने से बदले, आप क्या कर सकते थे, जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसमें कैपिटलाइज करके आप एज अ डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर कर सकते थे ओवर द पीरियड। तो क्या होता था कि आपका जो ह्यूज फ्लक्चुएशन है, ह्यूज फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट एक ही बार P&L में नहीं पड़ता था, वो ओवर द पीरियड वो खींचा चला आता था एज अ डिप्रिसिएशन। ठीक है, उसका इम्पैक्ट चाहे वो गेन है चाहे वो लॉस है। नॉन डिप्रिसिएबल एसेट के लिए क्या था कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो FCMIT अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट था, उस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, वो एज अ रिजर्व जाता था और उसको उससे P&L इम्पैक्ट नहीं आता था। ठीक है, तो उसपे उससे क्या होता था कि आपका बेसिकली ऑपरेटिंग रिजल्ट इफेक्ट नहीं होता था। तो डेप्रिसिएबल एसेट के लिए यह था और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए FCMIT था। अब क्या हो गया, वो जो कुछ आइटम्स पड़े होंगे एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन, आपने अब AS से IND AS में आया तो एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन जो भी एसेट्स पड़े होंगे जिसपे आपने पैरा 46 एंड 46A अवेल किया था, अगर आपने पैरा 46 एंड 46A अवेल नहीं किया था तो वो ट्रीटमेंट तो आप पहले भी नहीं कर रहे थे तो अब भी नहीं कर सकते हो। पैरा 46 एंड 46A अवेल नहीं किया था तो जो ट्रीटमेंट जो 46A में दिया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ, वो ट्रीटमेंट तो आप कर नहीं रहे थे तो IND AS ऑफ कोर्स करने भी नहीं देगा। अब आपने वो ट्रीटमेंट अगर कर रहा था और आपने एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन वो एसेट सब पड़ा हुआ है, एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन वो एसेट स्टिल इज लाइंग ऑन योर बैलेंस शीट, तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? उससे रिगार्डिंग मैनेजमेंट का पास ऑप्शन है। अब इसके लिए पैरा D13AA IND AS 101 में लाया गया D13AA। ठीक है, जो आपका ट्रांजिशन से रिलेटेड इंडेक्स डील करता है तो D13AA लाया गया, जो क्या बोलता है, आपको मैनेजमेंट को ऑप्शन दिया गया कि आप या तो
46 एंड 46 ए वाला ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है, टू फॉलो ट्रीटमेंट ऑफ इंड एस एएस 811 ओनली फॉर आइटम्स एज ऑन डीओटी जो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्ट नहीं करते हो, आप ये फॉलो करना ऑप्ट नहीं करते हो, तो जो भी अमाउंट आपने कैपिटलाइज किया होगा टिल द डेट ऑफ ट्रांजिशन ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, तो उसको क्या करोगे, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, आप फर्दर कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे, मगर जो ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज का अमाउंट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन तक, उस अमाउंट को आप कुछ नहीं करोगे, उसको उसका डिप्रिसिएशन एज इट इज क्लेम करोगे, ठीक है। और जो नॉन डिप्रिसिएबल एसेट है जिसका आपने एफ सी एम आई टी में अमाउंट ट्रांसफर किया था, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। आपको रिटेन्ड अर्निंग में आपको एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे कुछ मैंने दो केस स्टडी बनाई है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका लोन डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले सैंक्शन हो गया, यहाँ पे देखोगे, और लोन जो रिसीव हुआ है वो डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद रिसीव हुआ है। आपका सैंक्शन पहले हो गया था बट रिसीव क्या हुआ है, बाद में हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, पैरा 13AA एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो देखना होगा, आपका लोन जो रिसीव होना चाहिए वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से पहले, सैंक्शन से कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से पहले आपको लोन रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या था कि आपने लोन लिया है, पहला केस में आप देखोगे डॉलर में आपने लोन लिया है और आपका फंक्शनल करेंसी भी डॉलर था, आपने जो लोन लिया है डॉलर में फंक्शनल करेंसी भी आपका डॉलर था, तो आपने ये पैरा 46 एंड 46 ए अवेल ही नहीं किया होगा, क्योंकि आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, लोन भी आपका डॉलर में, एक्सचेंज डिफरेंस आने का कोई सवाल ही नहीं आता, तो आपने लिया ही नहीं होगा। तो इस केस में आप डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद आपका फंक्शनल करेंसी जब रुपीज हो जाता है, तो आप ये डिफरेंस के कारण आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे वापस से पैरा 46 एंड 46 ए वाला जो बेनिफिट था वो अवेल करना है। लॉजिकल समझ में आती है। दूसरा केस क्या है, आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर में है, आपका आपने जो लोन है वो रुपीज में आपने लिया है, फंक्शनल करेंसी डॉलर था, आपने जो लोन रुपीज था वो रुपीज में लिया है, तो आपने एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन तक तो आपने क्या किया होगा, आपने उसको कैपिटलाइज किया होगा, डिप्रिशिएबल एसेट है, चाहे आपने एफ सी एम आई टी में ले लिया होगा। मगर जब आप आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद आपका फंक्शनल करेंसी रुपीज डिटरमाइन होता है एज अ पर इंडियस, आपका फंक्शनल करेंसी रुपीज डिटरमाइन होता है, तो आप जब देखोगे इस फंक्शनल करेंसी और ट्रांजेक्शन करेंसी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों रुपीज में, तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस का बात ही नहीं अराइज होता है, ठीक है। अगर कोई आप हेज्ड आइटम लेते हो, हेजिंग करते हो, जो जिसके लिए आप डी 13AA अवेल कर रहे हो, डी 13AA अवेल कर रहे हो और उसके लिए आप कुछ हेज आइटम भी करते हो, तो उसका जो अकाउंटिंग होगा उसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मान लेंगे और उसका उसका जो डिफरेंस जाएगा वो पी एंड एल में जाएगा, ठीक है। हमारा तीसरा जो एरो आता है ये विथ रिस्पेक्ट टू एंटिटी हैविंग फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट, आपने फंक्शनल करेंसी कुछ है और प्रेजेंटेशन करेंसी कुछ और है। ये बेसिकली होता है कि आपका कोई फॉरेन सब्सी है, उसका फंक्शनल करेंसी वो फॉरेन में ऑपरेट कर रहा है, आपका उसका फाइनेंसिंग वगैरह सब कुछ फॉरेन में, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स भी फॉरेन करेंसी में आ रहा है, बट उसका जो होल्डिंग कंपनी है, उसका पेरेंट कंपनी है, वो इंडिया में बैठा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए तो आपको जो डॉलर में उसको रुपीज में लाना होगा, क्योंकि अगर इंडियन पेरेंट है जिसका फंक्शनल करेंसी फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज है, तो फॉरेन का सब्सी को भी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब दो डॉलर टू रुपीज कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, सब्सी नीड टू कन्वर्ट इंटू रुपीज फॉर कंसोलिडेशन। अब कन्वर्जन कैसे होगा, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको क्लोजिंग रेट पे कर दोगे, पी एंड एल वाला अमाउंट को आप एक्चुअल रेट पे कर दोगे, और रिटेन्ड अर्निंग एंड शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग एंड शेयर कैपिटल अर्लिएस्ट रेट और द रेट ऑन विच कंट्रोल ऑब्टेन, ठीक है। जो भी आपका अर्लिएस्ट रिपोर्टिंग डेट है, बेसिकली जिस दिन आपने शेयर कैपिटल बेसिकली इशू किया होगा, चाहे आपका रिटेन अर्निंग अपने जिस ईयर में आपने कमाया है, तो उसी रेट को आप लेके चलते रहोगे, ठीक है।
और रेट ऑन विच आपने जिस रेट पे डेट पे आपने कंट्रोल ऑप्टेन कर लिया बेसिकली उस एंटिटी का, जिस दिन आपका वो सब्सी बना उस डेट का आप वो रेट लोगे, ठीक है। और बाकी जो डिफरेंस आएगा वो FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में आप लेके जाओगे, ठीक है, समझ में आती है। चलो तो आपका ये ऐसा इस पे एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, टेस्ट योर नॉलेज में ICAI के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। अब आप कंसोलिडेशन कैसे करोगे, आपने क्या किया फॉरेन का सब्सी को, फॉरेन का सब्सी जिसका आपका प्रेजेंटेशन करेंसी आपका पर्सनल करेंसी डिफरेंट था बट प्रेजेंटेशन के पर्पज ने आपने रुपीज में लिया है, अब ये भी रुपीज में आपका पेरेंट का भी रुपीज में, ये तो अब पंगा हट गया। अब क्या होगा, कुछ आइटम आपको नॉक ऑफ वगैरह करने पड़ेंगे बैलेंस शीट में, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अब कुछ आइटम कॉन्ट्रा आइटम विद सेटलमेंट प्लान, मतलब आपका वो आइटम सेटलमेंट होगा, मतलब अगर कोई सब्सी को पेबल है, सब्सी ने पेरेंट को कुछ पे करना है और उसका इंटेंशन है कि वो सेटलमेंट करेगा, एक्चुअल कैश फ्लो करके सेटलमेंट करेगा, तो उस केस में वो आइटम को कैंसिल कर दो, कैंसिल द आइटम, ठीक है। एंड एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्डेड इन P&L, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस P&L में रिकॉर्ड हो रहा है वो फॉर्म पार्ट हो जाएगा कंसोलिडेटेड P&L, ठीक है, कंसोलिडेटेड P&L का पार्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जिसका सेटलमेंट प्लान नहीं है, मतलब आपने कुछ ऐसा वो पेबल है मगर वो पेबल चलता ही जाएगा, वो सेटलमेंट होगा ही नहीं, तो नो सेटलमेंट प्लान है, तो जब आप तो उस आइटम को आप बेसिकली नॉक ऑफ नहीं करोगे, उस आइटम को आप नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन दिखा दोगे, जिसके लिए वो एसेट है बेसिकली पेरेंट, अगर पेरेंट ने जो पैसा लगाया हुआ है जिसका कोई सेटलमेंट प्लान नहीं है तो पेरेंट दिखा देगा नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या, जो भी फिर आपने पे रिसीवेबल को तो हटा दिया, आपने रिसीवेबल को तो हटा दिया और उसको क्या दिखा दिया, रिसीवेबल जो था उसको नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, और रिसीवेबल और पेएबल को कैंसिल कर दोगे, और उसके बाद जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा था इसके कारण, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, पहले तो आपने जब पेरेंट का SFS होगा उसमें तो रिसीवेबल ही अमाउंट आ रहा होगा, आपने उसको एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपने क्या किया होगा, उसको रीमेजर किया होगा और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में कुछ एक्सचेंज या लॉस आपने P&L में रिकग्नाइज किया होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर सेटलमेंट प्लान होता तो वही P&L आपका कंसोलिडेटेड P&L का पार्ट फॉर्म हो जाता, मगर क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट प्लान नहीं है, तो जो वो P&L है वो P&L से आप अमाउंट उठा के जब कंसोलिडेटेड P&L बना रहे हो तो उस केस में आप वो OCI का अमाउंट, OCI का पार्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, OCI में चला जाएगा, वो P&L से हटके OCI में चला जाएगा। अब कंसोलिडेशन का स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है कि फॉरेन ऑपरेशन का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंटेशन करेंसी और पेरेंट में ले आओ, यहाँ पे हमने जो स्टेप परफॉर्म किया था वो कर लो पहले, तो फिर क्या करना है, ट्रीट कॉन्ट्रा एज अबव, हमने कॉन्ट्रा का यहाँ पे सेटलमेंट और नॉन सेटलमेंट प्लान वाला कर लिया, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट गुडविल और GBP इन करेंसी ऑफ सब्सी, जो प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ सब्सी होता, जो उसका बैलेंस शीट बन रहा है नॉर्मली जिस करेंसी में, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, नॉर्मली जिस प्रेजेंटेशन करेंसी में सब्सी का ब्रांच का बैलेंस शीट वगैरह बन रहा है उस करेंसी में आप बेसिकली उसका फंक्शनल करेंसी में यूजुअली रहेगा, उस करेंसी में आप अपना ये देख लोगे गुडविल और GBP कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, और जो गुडविल और GBP आ रहा है उसको आप क्लोजिंग रेट से आप कन्वर्ट करोगे, क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करोगे और जो भी उसके अकाउंट पे डिफरेंस आ रहा होगा, अब आपका बैलेंस शीट तो मैच नहीं करेगा तो जो भी आपका उसका डिफरेंस आ रहा होगा उसको आप FCTR में ले जाओगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और उस FCTR का अमाउंट को आप एलोकेट कर दोगे पेरेंट और सब्सी के बीच में, ठीक है, मतलब NCI एंड पेरेंट के बीच में,
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड पेरेंट के बीच में आप एलोकेट कर दोगे, जैसे आप बाकी चीज़ों को एलोकेट करते हो, रिटेन अर्निंग वगैरह को एलोकेट करते हो, वैसे एलोकेट कर दोगे। अब बाद में जाके आपका आपने जो सब्सी जिसको कंसोल की हो, आपने सब्सिक्वेंटली जाके सेल कर दिया, तो जो भी आपने अगर सेल किया बट उसके कारण आपने कंट्रोल लॉस नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं लॉस हुआ, तो आपका जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एफसीटीआर है वो आप एनसीआई में ट्रांसफर कर दोगे। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एफसीटीआर वो एनसीआई में ट्रांसफर कर दोगे अगर कंट्रोल लॉस हो गया, तब तो आप सारा अमाउंट को बैलेंस शीट से हटा ही देते हो। तो कंट्रोल लॉस होता था, बैंक से जितना अमाउंट मिला वो, उसके बाद एनसीआई का जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो, और गुडविल और आइडेंटिफाइएबल नेट एसेट ऐसे आप रिकग्नाइज करते ही हो बेसिकली, और डिफरेंस को फिर पी एंड एल में ले जाते हो। तो ये बेसिकली हम इंड एएस 103 वगैरह में ज़्यादा देखते हैं, और ये हमने देखा था जब कंट्रोल लॉस नहीं होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड था जो कंटेंट वाइज थियरी पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड ये था। अब हमारा टाइम होता है कि हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लें। हमने अभी तक 36 मिनट्स लगाए इस वीडियो में कॉन्सेप्ट में, और हम मुझे लगता है ये डिसेंट टाइम में हो गया। अगर आप इलस्ट्रेशन कर लेते हो, सेल थ्रू कर जाते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बोलोगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल टेक यू थ्रू द इलस्ट्रेशंस ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल। ठीक है, पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, फ्यूचर लिमिटेड सेल्स अ रिवाइटलाइजिंग एनर्जी ड्रिंक दैट इज सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सेल्स ऑफ द एनर्जी ड्रिंक comprise over 90% of the revenue of Future Limited. For convenience and consistency in pricing, sales of energy drink is denominated in US dollar. फिर बोलता है, all financing activities of Future Limited are in its local currency. Although company holds USD cash reserves, almost all the cost incurred by the Future Limited is denominated in local dollar. वट इज द पर्सनल करेंसी ऑफ फ्यूचर लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है, यहाँ पे दो करेंसी का जिक्र किया हुआ है, एक तो यूएस डॉलर का और दूसरा लोकल करेंसी का। मैंने बताया था जब भी फंक्शनल करेंसी और वो फैक्टर्स कंसिडर करते हो तो आपको जजमेंट इन्वॉल्व होता है, और आपको प्रोफेशनल जजमेंट वहाँ पे रेशनलाइजेशन वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा रेशनल जो भी लगता हो उसको आप फंक्शनल करेंसी बोलोगे। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका फाइनेंसिंग भी लोकल डॉलर में हो रहा है और आपका सारा कॉस्ट भी लोकल डॉलर में हो रहा है, तो ये दो फैक्टर ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। बट सिर्फ प्राइसिंग आपका यूएसडी में है, बट बाकी आपका कॉस्ट फाइनेंसिंग वगैरह सब लोकल डॉलर में है। दैट्स वाई इट इज़ मोर रेशनल टू डिटरमाइन लोकल डॉलर एज योर फंक्शनल करेंसी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, आंसर भी पढ़ लेते हैं। द फंक्शनल करेंसी ऑफ फ्यूचर लिमिटेड इज लोकल डॉलर लुकिंग एट द प्राइमरी इंडिकेटर्स। द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इंडिकेट दैट द करेंसी दैट mainly influences the cost of the product pricing, the energy drink is local dollar. तो यही सब बोल रहा है कि आपका local dollar में आपका product pricing वगैरह भी हो, ये cost of product भी आ रहा है और आपका financing भी हो रहा है, और जो pricing है USD है वो सिर्फ consistency और convenience purpose के लिए हो रहा है, सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड कन्वीनियंस पर्पज के लिए हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव डिटरमाइंड लोकल डॉलर एज अ फंक्शनल करेंसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ इनिशिएटिव साथ में। मैंने यहाँ पे एक तो एग्जांपल आपको बताया, यहाँ पे मैं जो भी हमें मेरे हिसाब से जो भी इलस्ट्रेशंस यू हैव टू सी, जो भी इलस्ट्रेशंस आपको वापस से देखना चाहिए चाहे वापस से करना चाहिए वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। इलस्ट्रेशंस कैटेगरी स्टेटस, इलस्ट्रेशन नंबर वन हमने देखा, ये आपको लगता है इग्नोर कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, बट देख के भी सिंपली लग रहा था कि आपका फंक्शनल करेंसी लोकल डॉलर होगा, तो आप इग्नोर करोगे और इसका स्टेटस हो गया डन। ठीक है, ये सेव नहीं करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन टू देखें। इलस्ट्रेशन टू क्या बोलता है, स्मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सब्सिडरी ऑफ बिग, स्मॉल सब्सिडरी ऑफ क्या है, बिग, टेक्स ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम द इंडियन कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर से सारा ऑर्डर लेता है फॉर बिग्स
franchise of merchandise and then bills and collects for the sale of merchandise in rupees. The small has small also has a local warehouse in India to facilitate timely delivery and ensures that it remits to its parent all the cash flows that it generates, as the operation of the small are primarily financed by Big Inc. Big Inc. is based out of US and has functional currency as US. What is the small's functional currency? अब देखो सबसे के केस में हमने क्या बोला था कि क्या वो extension है? Extension है तो parent का functional currency हो जाता है. Extension नहीं है तो हमें उसका individually primary and secondary factor देखना है. तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है. जो small Inc. है वो किसके behalf में सारा काम कर रहा है, उसका financing वगैरह भी Big Inc. से आ रहा है, small Inc. का उसके ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो भी बिग इंक से मेजरली हो रहा है. तो मेरे हिसाब से तो जो फंक्शनल करेंसी होना चाहिए स्मॉल इंक का वो फंक्शनल करेंसी ऑफ पेरेंट दैट इज यूएसडी होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी. यहाँ पे सीधा इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं. ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ स्मॉल Inc. which are denominated in any other currency other than USD should be recorded at in USD at spot rate. सीधा यहाँ पे देखो, its functional currency is USD. आप एक बार पढ़ लेना और यहाँ पे सीधा लिखा है its functional currency is USD. सीधा आप पढ़ लोगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ये पास थ्रू कंपनी है, सिर्फ एक नाम के लिए establish किया है, पास थ्रू कंपनी है मतलब एक extension है, basically extension है जो कि इसका ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए सबसे बनाया गया. ये इंडिपेंडेंट इस, ये सब्सिडी अपना कुछ काम नहीं करता है, बस वो पेरेंट के बिहाफ पे एक पेरेंट को का ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करने के लिए नया एक सब्सिडी बनाया गया है. तो दैट्स व्हाई दैट्स फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडी शुड बी द फंक्शनल करेंसी ऑफ पेरेंट. आप ये देखो कि आपका फर्स्ट लुक में आपको इसका भी आंसर पता चल गया, तो आप इसको इग्नोर करोगे. हमने कर भी लिया इसको, जब आप दोबारा देखोगे तो इसको आप नोट करोगे. इलस्ट्रेशन 3 देख लेते हैं. ए इज एन ओमान बेस्ड कंपनी हैविंग फॉरेन ऑपरेशन बी इन इंडिया. ठीक है, द फॉरेन ऑपरेशन वाज प्राइमरली सेटअप टू एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया. ठीक है, अब फंक्शनल करेंसी ऑफ ए इज ओएमआर. 78% of entity B finances have been raised in USD by way of contribution in from B. ठीक है, अब A ने कुछ ऑपरेशन B में बनाया है और A का फंक्शनल करेंसी OMR है, इतना हमें पता चल गया. और एंटिटी B जो है जो इंडिया में है उसका मोस्ट ऑफ द फाइनेंसिस कहाँ से आ रहा है, एंटिटी B से. B banks accounts are maintained in USD as well as INR. Cash flows generated by B are transferred to A on a monthly basis in USD in respect of repayment of finance received from A. जो repayment of finance जो A ने दिया है उसको repayment करने के लिए जो भी cash flow generate हो रहा है वो monthly basis पे A मतलब B A को दे रहा है. Revenues of B are in USD. Its competitor are globally based. टेंडरिंग फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैपेंड इन यूएसडी. जो टेंडरिंग हो रहा है वो भी यूएसडी में हो रहा है, जो इंडियन जो प्रोजेक्ट है वो भी यूएसडी में कर रहा है, रेवेन्यूज भी यूएसडी में आ रहा है और इसका कंपिटिटर्स भी ग्लोबली बेस्ड है. ठीक है, इट इनकर 70% ऑफ इट्स कॉस्ट इन INR एंड 30% रिमेनिंग इन यूएसडी. सिंस बी इज लोकेटेड इन इंडिया कैन इट प्रिज्यूम इट्स फंक्शनल करेंसी टू बी INR. क्या बोल रहा है, बी क्योंकि इंडिया में लोकेटेड है तो क्या फंक्शनल करेंसी उसका INR? तो क्या हम लोकेशन के बेसिस पे देखते हैं फंक्शनल करेंसी क्या होगा? नहीं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर देखेंगे. अब यहाँ पे आंसर देखोगे, देखो सिंपली दिख दिया, नो बी कैन नॉट प्रिज्यूम INR इज टू बी फंक्शनल करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. सिंपल, जो हमने डिस्कस किया टू द पॉइंट वही बोला, इट नीड्स टू कंसिडर वेरियस फैक्टर लिस्टेड इन इंडेस फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शनल करेंसी. उसको इन डेज का फैक्टर्स देखना पड़ेगा रादर देन उसको. ठीक है, तो
हम लोकेशन के बेसिस पे तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर देखना पड़ेगा। और एक और बात, क्योंकि ए का ब्रांच है, ये बेसिकली ए का फॉरेन ऑपरेशन इन ए का ब्रांच है, सो बेसिकली हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या बी ए का एक्सटेंशन तो नहीं है। अगर ए का एक्सटेंशन हुआ तो फंक्शनल करेंसी ऑफ ए ही हो जाएगा फंक्शनल करेंसी ऑफ बी, समझ में आ रही है। अगर वो एक्सटेंशन नहीं हुआ, अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स देखना पड़ेगा। तो जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर पहले लिख दो, और एक्सटेंशन वाला पॉइंट आपको एक्सटेंशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना होता है वो लिख दो। बट यहाँ पे आप जब फैक्टर्स देख रहे हो तो कुछ भी एक्सटेंशन वाला ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, क्योंकि आपका जो फाइनेंसिंग तो ये दे रहा है, मगर फाइनेंसिंग जो वो भी वापस से रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं, चाहे उसको ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उसके पास बी के पास कुछ ऑटोनोमी नहीं है, चाहे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जो बी है वो ए का एक्सटेंशन नहीं है। अगर ए का एक्सटेंशन नहीं है तो हमें वापस से क्या देखना पड़ेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर में आप देखोगे तो आपका देखोगे कि 70% कॉस्ट, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, फंक्शनल करेंसी INR होना चाहिए, रेवेन्यूज फंक्शनल करेंसी USD में होना चाहिए, कंपिटिटर्स ग्लोबली बेस्ड है मतलब फंक्शनल करेंसी वापस से USD होना चाहिए, टेंडरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि मेजर इसका ट्रांजेक्शन जो वो कंस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ वो भी USD में हो रहा है, ठीक है। और फाइनेंसिंग भी जो USD में हो रहा है, ठीक है। इतना सारा अगर फैक्टर्स को देख ले तो मेजर जो फैक्टर्स किसके टुवर्ड्स टेंड कर रहा है दैट इज बेसिकली USD। तो हमने अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के बोला कि इसका फंक्शनल करेंसी USD होना चाहिए, ठीक है। अब ICAI का आंसर पढ़ लेते हैं। ICAI ने यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर बता दिया, सेकेंडरी फैक्टर बता दिया, और अगर एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन के लिए क्या क्या देखना होता है ये बता दिया। उसके बाद इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल फैक्टर्स मेंशनड इन पॉइंट 3 अबव, बी कैन नॉट बी सेड टू हैव अ फंक्शनल करेंसी सेम एज दैट ऑफ ए, मतलब ए का एक्सटेंशन तो नहीं है, ठीक है। अब है बोलता है कि हिंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेटर शुड बी यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शनल करेंसी ऑफ बी गिविंग प्रायोरिटी टू द प्राइमरी इंडिकेटर्स, पहले प्रायोरिटी हम तो प्राइमरी इंडिकेटर्स को देते हैं। द एनालिसिस इज गिवन बिलो, ठीक है। रेवेन्यूज USD में, कॉस्ट INR में मोस्टली, फाइनेंसिंग USD में, कैश फ्लोज पार्टली USD पार्टली INR में। तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज USD के फेवर में जा रहा है, तो कीपिंग दिस फैक्टर्स इन व्यू USD शुड बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल करेंसी ऑफ बी, ठीक है। हमने जो एनालिसिस किया बिना आंसर देख के वही वही ICAI ने भी बोला हुआ है, दैट्स वेरी लॉजिकल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक बार देख के जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकेंड इग्नोर कर रहे हो, इसको सी करके जाओ और इसको डन हो गया। एस लिमिटेड इज अ कंपनी, एस लिमिटेड इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ इंडिया विच गॉट लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2021। सिंस द कंपनी ऑपरेशंस हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, द कंपनी वॉज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, ठीक है। कंपनी मोटरसाइकिल्स के बिजनेस में डील करता है। द कंपनी ओनली डील्स इन इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल, दीज मोटरसाइकिल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम US, US से आप इम्पोर्ट करके फिर उसे आप बेचते हो। ओके, तो US से आप मोटरसाइकिल पहले इंपोर्ट करते हो एंड देन आफ्टर यू सेल दोस। आफ्टर इंपोर्टिंग द मोटरसाइकिल दीज आर सोल्ड अक्रॉस इंडिया थ्रू इट्स वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। द कंपनी हैड ओनली प्राइवेट कस्टमर्स अर्लियर, बट द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड अ टाई अप एंड इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस टू कॉर्पोरेट्स भी आ गए। द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल्स आर इन USD बिकॉज द वेंडर फ्रॉम होम दीज मोटरसाइकिल्स आर परचेस्ड आर ऑल लोकेटेड इन US, ठीक है। परचेज जो कॉस्ट आ रहा है वो USD में है। ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी आर इनकर्ड इन इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड दे जनरली हैपन टू बी इन, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज INR में जाता है। करेंटली इट्स कस्टमर आर
both corporate and private in the ratio 70:30. Okay, corporate 70 or 30. The UST denomination prices of motorcycle in India are different from those in other country. The UST denominated prices of motorcycles in India are different from those in other countries. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The country is also expecting that in the coming years, its customer base will increase significantly in India and the current proportion may also change. Currently, the invoices are raised to corporates in UST and for the purpose of hedging. However, the private customer do not accept the same arrangement and hence invoices are raised to them in INR. ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका अभी जो कस्टमर 70:30 में कॉर्पोरेट है और ये है प्राइवेट कस्टमर्स है. ठीक, तो कॉर्पोरेट को यूएसडी में आप प्राइसिंग कर रहे हो, बाकी को INR में कर रहे हो और बोल रहे हैं कि आपका ये प्रोपोर्शन है जो चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में जाके. ऐसा नहीं कि आपका 70:30 ही रहेगा मगर आपका जो परचेज ऑफ मोटरसाइकिल हो रहा है वो आपका यूएसडी में ही हो रहा है और जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपका INR में हो रहा है. तो आपका फंक्शनल करेंसी क्या होगा? ठीक है, आप वापस से आप जब लिखोगे तो आप प्राइमरी इंडिकेटर सेकेंडरी इंडिकेटर लिख दोगे. तो आप जैसे यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर सेकेंडरी फैक्टर लिखोगे अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा. हाँ, मैं पॉइंट आपको कुछ दिखाने वाला था. हाँ, ये पॉइंट मैंने उस समय इग्नोर करवाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये पॉइंट इस क्वेश्चन का जड़ है. इस क्वेश्चन में जो मेन जो क्रक्स है ना, जो मेन ट्विस्ट है, यही पॉइंट है. क्या बोल रहा है? द यूएसडी डिनोमिनेटेड प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इन इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कंट्रीज. ठीक है, जो अदर कंट्री में यूएसडी डिनोमिनेटेड है और जो इंडिया में यूएसडी डिनोमिनेटेड है वो डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? कि आप तो उतना ही अमाउंट रिकवर करना चाहते हो जो आप INR में रिकवर करना चाहते हो, बट वो INR के हिसाब से आप यूएसडी का अमाउंट डिफरेंट कर देते हो. समझ रहे हो? आपको आपको फॉर एग्जांपल रिकवर करना है, लेट्स से 5 लाख में आपको बाइक बेचना है, चले से 6 लाख में बेचना है, तो आप जो 6 लाख है उसको आप यूएसडी में कन्वर्ट कर देते हो और फिर बेचते हो. दैट्स वाई दैट ये लाइन का वही सिग्निफिकेंस है. ये बताना चाह रहा है कि आप अपना इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आप अपना प्राइसेस को अल्टर कर देते हो. तो ये प्राइसिंग इन यूएसडी वोंट बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी, क्योंकि ये प्राइसिंग ये फैक्टर किस जिस कंट्री में ये एस लिमिटेड लोकेटेड है उसके लोकेशन से ये फैक्टर अफेक्ट हो रही है. बेसिकली वो INR से अफेक्ट हो रही है. INR का अमाउंट 6 लाख है तो उसका USD उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट होगा. तो दैट्स वाई यहाँ पे ये ट्विस्ट है और ये बता रहा है कि आपका फंक्शनल करेंसी INR होने वाला है. मतलब आपका फैक्टर बता रहा है, एक फैक्टर बता रहा है कि आपका फंक्शनल करेंसी INR होने वाला है. आपका सारा ऑपरेटिंग कंडीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी INR में हो रहा है, तो आपका मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग ऑपरेशन जो है वो INR में हो रहा है. INR के इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से इफेक्ट हो रहा है. सिर्फ आपका परचेज ऑफ मोटरसाइकिल जो है वो आपका यूएसडी में आ रहा है. तो अगर ये लाइन अगर इस क्वेश्चन में नहीं रहता तो वी कुड हैव सेड कि यूएसडी आपका फंक्शनल करेंसी है. मगर क्योंकि ये क्वेश्चन है, इस ये लाइन है, तो इस क्वेश्चन में आपका यूएसडी के टुवर्ड्स ज़्यादा फैक्टर्स जा रहा है एंड यू सॉरी INR के साथ ज़्यादा फैक्टर्स जा रहा है एंड यू हैव टू से INR इज योर फंक्शनल करेंसी, नॉट यूएसडी. तो यहाँ पे आपका पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर दे दिया. अब इसके बाद एक बार डिस्कस करते हैं. द एनालिसिस इज गिवन बिलो. आपका सी यहाँ यहीं पे आपका लिख दिया कि फंक्शनल करेंसी तो INR है. अब इसका एनालिसिस यहाँ पे दिया है. इंडिया 21 गिव्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ टू द कंट्री ऑफ द करेंसी ऑफ द इकोनॉमी दैट डिटरमाइंस द प्राइसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एज अपोज टू द करेंसी इन विच ट्रांजेक्शन आर डेनोमिनेटेड. करेंसी ऑफ डेनोमिनेशन एंड करेंसी
जिस मतलब करेंसी ऑफ द इकोनॉमी बाय विच ट्रांजेक्शन इज अफेक्टेड, बाय विच प्राइस इज अफेक्टेड, ठीक है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस करता है राधर देन करेंसी इन विच ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड. यहाँ पर डिनोमिनेटेड दो यूएसटी में है, मगर जो यूएसटी का प्राइस है वो अफेक्ट हो रहा है करेंसी ऑफ इकोनॉमी के कारण. ठीक है, ये दिमाग में रखना है. सेल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल आर मेनली इन्फ्लुएंस बाय द कंपिटेटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन इन द इंडिया. द मार्केट ऑफ फॉर द मोटरसाइकिल डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया एंड द कंपनी इज इन कॉम्पिटिशन विद द इम्पोर्टर्स ऑफ द अदर मोटरसाइकिल ब्रांड्स. इवन दो 70% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड इन यूएसटी, द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस आर द मेन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द प्राइसेस. दिस एविडेंस बाय द फैक्ट दैट यूएसटी डिनोमिनेटेड सेल प्राइस in India are different from the USD denominated sale price for the same motorcycle in other countries. देखो मैंने जो पॉइंट बोला था एग्जैक्टली सेम एज इट इज यहाँ पे वही चेपा है. तो हमारा जो हमने जो पढ़ के आया है जो थॉट प्रोसेस और ये आंसर में थॉट प्रोसेस वो आप देखोगे कितना सिमिलर है. तो यू कैन इजिली क्रैक थ्रू द क्वेश्चन. इसमें कुछ नहीं है, आप जो इतना सा सिंपल सा एक चार्ट पढ़ के आप इजिली आप क्वेश्चन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको रेशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा. आप अगर आप रेशनलाइजेशन नहीं लगाओगे तो आप क्यों ना 50 पेज में भी इसी स्टैंडर्ड को 50 पेज में भी पढ़ लो तो आप नहीं कर पाओगे. मगर आप अगर रेशनलाइजेशन लगाओगे तो सिंपल आप एक पेज का चार्ट पढ़ के भी आप ये कर लोगे. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि अपना दिस इज एविडेंस बाय द जो लाइन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ उससे आपका ये एविडेंस हो जाता है. आप पढ़ लेना एक बार. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हमें एक बार सी करना चाहिए और डन भी हो गया. इलस्ट्रेशन 5 फंक्शनल करेंसी ऑफ पेरेंट पी इज यूरो वाइल द फंक्शनल करेंसी ऑफ इट सब्सिडरी एस इज यूएसटी. ठीक है, पेरेंट पी का यूरो है एंड सब्सिडरी का क्या है यूएसटी है. पी सेल्स इट्स इन्वेंट्री टू एस एंड द ट्रांजेक्शन फॉर सेम वॉज मेड फॉर यूएसटी 300 ड्यूरिंग द ईयर. एट द ईयर एंड बैलेंस ऑफ सेम अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग एज अ रिसीवेबल फ्रॉम एस. ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सच अमाउंट हैज बीन कंटिन्यूइंग एज अ रिसीवेबल फ्रॉम एस ऑन ईयर एंड इवन दो द पेमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस बैलेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन द फॉरसीएबल फ्यूचर, बट इफ वी लुक एट द ईयर एंड देन वी सी दिस बैलेंस एज एन आउटस्टैंडिंग एवरी ईयर. इन एडिशन टू द ट्रेडिंग बैलेंसेज बिटवीन पी एंड एस, पी हैज लेंट एन अमाउंट ऑफ 500 टू एस दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड इन द फॉरसीएबल फ्यूचर. Should the exchange difference, if any, to be recognized in profit and loss account? हमने क्या बोला है? देखो ये 300 का जो अमाउंट रिसीवेबल है चाहे जो भी पेएबल है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा जो कि जिसका जो सेटलमेंट प्लान है 300 का तो सेटलमेंट प्लान है और 500 का सेटलमेंट प्लान नहीं है. तो 300 का जो है और 500 का है इनिशियल तो जो भी है पी एंड एल में जाता है, पेरेंट के पी एंड एल में जाएगा, जो भी गेन लॉस जो भी होगा पेरेंट के पी एंड एल में जाएगा. मगर जब कंसोलिडेशन करोगे तो जो सेटलमेंट प्लान वाला है वो पी एंड एल जो बेसिकली 300 से रिलेटेड जो पी एंड एल होगा वो चला जाएगा कंसोलिडेटेड पी एंड एल में ही एज इट इज. मगर जो 500 से रिलेटेड जो पी एंड एल होगा वो आपका कंसोलिडेटेड पी एंड एल में नहीं जाएगा, वहां से हटके वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगा. ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग होता है. पहले तो आपका पेरेंट का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपका पी एंड एल में आ रहा होगा 500 से रिलेटेड भी, मगर जब कंसोलिडेटेड का पार्ट फॉर्म होगा तो वो ऊपर से आपको रिमूव करके नीचे लाना पड़ेगा, बेसिकली आपको पी एंड एल से रिमूव करके ओसीआई में लाना पड़ेगा. ठीक है, अब आंसर में देखते क्या दिया है.
the exchange or gain loss arising in the books of account of P in respect of trading balance with same, the same would be recognized in profit and loss. Okay, SFS may profit and loss. This is being a balance for in nature of trade receivable for P. It would be considered as net. It won't be considered as net investment in foreign operation. ठीक है? इसको net investment in foreign operation नहीं बताएंगे. Basically NIFO नहीं बताएंगे. The amount laid by P should be regarded as a net investment in foreign operation. Thus, the exchange जो 500 पे exchange gain loss होगा, should be recognized in profit and loss in separate financial statement and other comprehensive income in consolidated financial statement. ठीक है? इतना ही. क्योंकि हमने discuss कर लिया. तो इसको आप क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. इग्नोर एंड डन. इलस्ट्रेशन 6 क्या बोलता है? मॉडिफाइंग द अबव इलस्ट्रेशन, सपोज दैट फॉर द टैक्स रीजन परमानेंट फंडिंग दैट इज लोन अमाउंट एक्सटेंडेड टू एस इज मेड बाय अदर एंटिटी इन द ग्रुप टी रादर देन पी डायरेक्टली. ठीक है, इसने इसको लोन दिया, ये दो सब्सिडी है, और इसने इसको लोन दिया और इसने इसको लोन दे दिया. अब इस केस में क्या होगा? इस केस में भी सेम ट्रीटमेंट होगा क्योंकि ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न होगा कि नहीं, सेटलमेंट होने वाला है कि नहीं. ठीक है, तो उस केस में भी सेम होगा, कोई इससे डिफरेंस नहीं आएगा. एनी एक्सचेंज डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इज रिकग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू द फंडिंग रिलेट्स टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशन. ठीक है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, चाहे सी कर लो, इग्नोर करके चलो. इतना सिंपल आने वाला नहीं और आपको होप सो समझ में आता है. कितना इलस्ट्रेशन हमने देख लिया? 6 देख लिया, तो बेसिकली इलस्ट्रेशन 7 होगा. अब नाउ वी बोल रहे हैं द फंक्शनल करेंसी ऑफ पी इज यूएसडी व्हाइल द फंक्शनल करेंसी ऑफ एस इज यूरो. पेरेंट का यूएसडी, एस का यूरो. पी ने कुछ गुड्स सेल किया है एस को 100 रुपए में when the exchange rate was 2 rupees. At the year end, amount is still due and the exchange rate is 1 ka 2.2. Okay? How should the exchange difference, if any, be accounted for in consolidated financial statement? Okay? अब क्या हुआ है? P ने किसने बेचा है? और P का functional currency USD while S का euro है. S का तो euro है और P का USD है. और 100 rupees outstanding है. और जब इनिशियल रिकग्निशन हुआ होगा, इनिशियल रिकग्निशन क्या हुआ था? 200 यूरो पे. अब जब बाद में उसने जब सब्सिडी ने रीइंस्टेट किया होगा तो उसको उसने 220 कर दिया होगा. तो 20 का जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो कंसोलिडेटेड पी एंड एल का पार्ट फॉर्म हो जाएगा. Therefore, the exchange loss of this 20 will remain in consolidated profit and loss account. ठीक, हमने illustration number 7 देख लिया कि जो 20 का US euro का difference आ रहा है वो हम P&L में ले जाएंगे. ठीक है, अब बात करते हैं illustration number 8. Illustration number 8 और illustration number 7 को ही mark कर देते हैं कि हमें इसमें कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं. Illustration number 8. इलस्ट्रेशन नंबर एक अच्छा एक इलस्ट्रेशन है जो कि नया ICAI ने इस स्टडी मटेरियल मीन 20 के लिए जो रिलीज़ किया है उसमें है. नवंबर 19 तक नहीं था ये इलस्ट्रेशन, मई 20 वाले में एक अच्छा इलस्ट्रेशन है. इस इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है बेसिकली, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है इसको. इस इलस्ट्रेशन में एम है जो कि पेरेंट है. ठीक है, पेरेंट है और जी है वो सबसे है. तो अगर आपने कंसोलिडेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा. ठीक है, बेहतर क्या, तभी ये समझ में आएगा आपको, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो होपफुली अगर आप नहीं भी करो तो ये एक इलस्ट्रेशन छोड़ के तो आपको बाकी सब चीज़ समझ में आएगा. ठीक है, तो आप एक बार ये कंसोलिडेशन करने के बाद वापस से ये इलस्ट्रेशन देख लेना अगर आपने नहीं किया है तो. ठीक है, चलो. तो एम
इस इलस्ट्रेशन में M एक पेरेंट एंटिटी और G होली ओन सब्सिडरी पेरेंट का है। इसने एक कुछ इन्वेंट्री का आइटम सेल किया है। आप क्वेश्चन आपको से आप रीड कर सकते हो। तो एक बार मैं प्लग इन कर लेता हूँ चार्जर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो M है वो पेरेंट एंटिटी है, G सब्सिडरी और कुछ इन्वेंट्री का आइटम सेल कर रहे हैं जिसका COGS M के लिए 830 लाख है INR में, और सेल कितने पे हो रहा है, यूरो 12 लाख पे सेल हो रहा है, और कॉक्स है 830 का आपका INR में, और रेट जब सेल कर रहे हैं तो 83 है और क्लोजिंग रेट 85 है, मतलब 1 यूरो इक्वल्स टू 83 रुपीज एंड 1 यूरो इक्वल्स टू 85 रुपीज एज ऑन क्लोजिंग रेट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सचेंज डिफरेंस जो आएगा, अब क्या होता है कि बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कंसोलिडेशन का। जब आप पेरेंट सब्सिडरी को सेल कर रहा है, जब सब्सिडरी पेरेंट को सेल करता है, तो अगर वो कुछ प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, कुछ आइटम को प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप प्रॉफिट पे सेल कर रहा होगा क्योंकि इसका कॉस्ट तो कॉस्ट 830 लाख है और इसका आप यूरो में देखोगे तो 10 यूरो बन रहा है, बट ये सेल कितना कर यूरो में कर रहा है, 12 यूरो में, तो कितना का प्रॉफिट कितना का हुआ एज ऑन ट्रांजेक्शन डेट, एज ऑन ट्रांजेक्शन डेट प्रॉफिट हुआ इज इक्वल टू 2 यूरो, और इसको आप अगर INR में देखोगे तो 2 × 83 यूरो का प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट आपको बन रहा है। तो जो भी प्रॉफिट अगर आपका पेरेंट सब्सिडरी, चाहे सब्सिडरी पेरेंट, हमारे केस में पेरेंट सब्सिडरी को बेच रहा है तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, पेरेंट से सब्सिडरी को बेच रहा है तो डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर वो प्रॉफिट, अगर आप जिस स्टॉक पे सेल करके जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को आप एलिमिनेट करोगे। क्यों, इसका बैक रीजन क्या है कि आपने जो स्टॉक था 10 का उसको आपने 12 में सेल कर दिया और ये 12 का स्टॉक स्टिल पड़ा हुआ है, तो आपका क्या हो रहा है, एज अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू ये सेल तो हुआ ही नहीं है क्योंकि पेरेंट से सब्सिडरी को आ गया ये स्टॉक, तो इंटर ग्रुप मूवमेंट है, बेसिकली इंट्रा ग्रुप मूवमेंट है, एक ग्रुप के विदिन ही मूवमेंट है, तो सेल तो हुआ नहीं है, एक्चुअल सेल तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पेरेंट के लिए इंडिविजुअली हो गया, सब्सी के लिए इंडिविजुअली परचेज हो गया, पेरेंट के लिए इंडिविजुअली सेल्स हो गया, सब्सी के लिए इंडिविजुअली परचेज हो गया, दैट्स इट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नॉर्मल जो अकाउंटिंग हम करते सेल्स परचेज का कर लिया, मगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो सेल्स हुआ, तो आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो क्या जो ये 12 का इन्वेंट्री है, तो एक्चुअली जो क्या हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सब्सी के लिए आ रहा है 12, क्या ये होना चाहिए इन्वेंट्री 12 का है कि 10 का ही है, ग्रुप के लिए तो 10 का ही होना चाहिए ना कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये 830 बेसिकली जो 10 यूरो आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो गया, 12 का आ गया और 2 यूरो का प्रॉफिट आ गया ग्रुप में, ये हो गया, बट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे 0 होना चाहिए और ये कॉक्स होना चाहिए। तो दैट्स फॉर, तो हम जब कंसोलिडेशन करते हैं तो ये 2 यूरो को एलिमिनेट करते हैं, 2 यूरो को एलिमिनेट करते हैं, 2 को प्रॉफिट से भी एलिमिनेट करेंगे और 2 को इन्वेंट्री से भी एलिमिनेट करेंगे, तो एक एंट्री आएगा जो कि बेसिकली P&L, तो क्या होना चाहिए हमारा इन्वेंट्री, ये जो एंट्री होता है 2 का ये एंट्री पास होना चाहिए, समझ में आती है। तो एज ऑन जब बैलेंस शीट डेट पर हम आ रहे हैं तो ये 2 यूरो का कितना हमें एलिमिनेट करना चाहिए, तो बेसिकली 2 यूरो इंटू हमारा 85 का रेट हो गया है, तो हमारा इतना का एलिमिनेशन होना चाहिए, बेसिकली 170 लाख रुपीस का हमारा एलिमिनेशन होना चाहिए। अब हम इसका आंसर थॉरली पढ़ लेते हैं, हमने समझ लिया रफली, अब हम इसका आंसर थॉरली पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एम लिमिटेड, बेसिकली पेरेंट में क्या होगा, सेल्स रिकॉग्नाइज करेगा 12 × 83 का, जब ये सेल्स कर रहा है तो 12 यूरो पे सेल कर रहा है, उस दिन का रेट है 83, इस रेट पे 996 का रिकॉग्नाइज कर लिया, अब इसका प्रॉफिट उस दिन पे कितना आ रहा है, 996 − 830 166, जो कि हमने अल्टरनेटिवली भी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2 यूरो लेके 166 का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन G Limited will recognize inventory on first 12 lakh euro पे
ठीक है, 12 लाख यूरो पे ये रिकग्नाइज कर लेगा, इसका स्कॉक्स हो जाएगा, स्कॉक्स ये हो गया। ठीक, उसके बाद आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिसीवेबल एंड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्स एंड परचेज बिटवीन एम एंड जी विल गेट एलिमिनेटेड। रिसीवेबल्स आज के डेट में कितना हो गया, 101,020 का आ रहा है, 12 यूरो इंटू 85 का रेट हो गया, तो ये जो है 101,020 का ये एलिमिनेट हो जाएगा। और बोलता है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जी लिमिटेड विल बी ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड एंड रिजल्टिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1020। जब आप इसको 12 यूरो को जब आप कंसोलिडेशन के लिए रीइंस्टेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 85 हो जाएगा। होना कितना चाहिए था बेसिकली, हाँ होना चाहिए था 10 इंटू 85, क्योंकि 2 का तो आपका प्रॉफिट है ना, 10 इंटू 85 होना चाहिए, आपका हो गया 12 इंटू 85, तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है जो एलिमिनेट होना चाहिए। तो क्या बोलता है, द रीइंस्टेटेड अमाउंट इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 850 लाख, और 166 लाख का प्रॉफिट जो उसने कमाया था ओरिजिनल रेट पे, और ये 4 लाख का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली रीइंस्टेटमेंट के कारण आया। 4 लाख का प्रॉफिट कैसे आया, रीइंस्टेटमेंट के कारण, तो उसको भी आप रिकग्नाइज करोगे। जो आपका ये 4 लाख कैसे हुआ, ये 2 लाख का प्रॉफिट था और रेट का डिफरेंस 85 माइनस 83 तो ये 4 का प्रॉफिट हो गया और ये 160 यहाँ से आ रहा है, ये 170 बन रहा है। तो सिंपली आप समझो, इसको समराइज करता हूं मैं, कि आपने एक 10 का इन्वेंटरी को 12 में बेचा, तो 12 में जो बेचा, तो जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी का 12 में आ रहा होगा, होना कितना चाहिए था 10 में, मगर आप जब उसको 12 को जो फंक्शनल करेंसी ऑफ पेरेंट में जब लेके गए, जो बेसिकली प्रेजेंटेशन के पर्पज के लिए, तो आपने इसको 12 को 85 पे लेके गया, होना कितना चाहिए 10 का 85 होना चाहिए था, आपने 12 को 85 कर दिया, तो डिफरेंस को आप एलिमिनेट कर दो 170 को, दैट्स इट। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन बढ़िया था, इसको मस्ट डू के कैटेगरी में रखते हैं और आप करके जाना। ये आप देख रहे हो कि आपको बहुत अच्छे से इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलो, हमारा इलस्ट्रेशन पार्ट थैंकफुली खत्म हो चुका है। अब हमारा कुछ टेस्ट ऑफ टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन रहता है, तो देख लेते हैं क्या है। आनंदेव, पेरेंट पी अक्वायर्ड 90% ऑफ सब्सिडरी एस सम इयर्स अगो, पी नाउ सेल इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट एस फॉर 1500 लाख। ठीक है, 90% लाया था, अब इसने एंटायर इन्वेस्टमेंट बेच दिया 1500 लाख पे, और नेट इन्वेस्टमेंट 1000 का बन रहा है, एनसीआई इसका 100 का बन रहा है, 100 का आ रहा था। द accumulated एक्सचेंज डिफरेंस दैट हैव arisen ड्यूरिंग द पी ओनरशिप आर 200 लाख का आपका रिजर्व बन रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस, रिजल्टिंग पीस फॉरन करेंसी FCTR का बैलेंस है बेसिकली। एक सेकेंड, सॉरी, द accumulated एक्सचेंज डिफरेंसेज दैट हैव arisen ड्यूरिंग पी ओनरशिप आर गेंस ऑफ 200 लाख रिजल्टिंग इन, ओके, पी का उसमें शेयर हो गया 180 लाख का, 90% 180 लाख, while the cumulative amount of exchange differences that have been attributed to NCI is 20 lakhs. तो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, TYK से आप देखते हैं, one, two, and TYK, we should write here three.
TYK 1, 2, 3. तो हम TYK पहले 1 देखते हैं. ठीक है, TYK 1 टेस्ट योर नॉलेज 1 में क्या बोल रहा है बेसिकली, इसमें आपका बैंक से आपका अमाउंट आ रहा है, सेल करने से बैंक से आपका अमाउंट आ रहा है 1500. ठीक है, आपका इसमें वापस से आइडेंटिफाइएबल INA कितना है, 1000 का. एंड आप में इसमें NCI कितना है, 100 का. ठीक है, और क्या बोल रहा है कि FCITR का बैलेंस है, FCITR का बैलेंस है जो कि बेसिकली 200 है, और हमारा ये 90% सेल हमने किया. तो ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है. अब बोलता है कैलकुलेट पीस गेन ऑन डिस्पोजल इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हम गेन रिकॉग्नाइज करेंगे, तो पहले एक बार हम क्विकली इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ हम कहाँ डिस्कस किए थे, तो ताकि आपको एक व्यू पॉइंट बन जाए. तो हमने यहाँ पे देखा था कि आपका जब कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, चाहे आप पूरा सेल कर रहे हो या तो पार्शियल सेल कर रहे हो, जिसके कारण आपका कंट्रोल लॉस हो जाता है, तो आप बैंक से प्रोसीड्स लाओगे, NCI रिकॉग्नाइज करोगे, कुछ गुडविल आ रहा है तो गुडविल और आइडेंटिफाइएबल नेट एसेट. तो इस क्वेश्चन में कुछ गुडविल का अमाउंट तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम ये एंट्री ऐसे बनना चाहिए, बैंक से आप 1500 लेके आओ, NCI को डी रिकॉग्नाइज करो, कितना से NCI को डी रिकॉग्नाइज करोगे, 100 से. ठीक है, उसके बाद आपका 2 कितना क्या हो जाएगा, तो आपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 1000 को लेके गया, और यहाँ पे आप FCTR को भी आप अपना FCTR पेरेंट शेयर ऑफ FCTR जो बन रहा है, पेरेंट शेयर जो रिजर्व्स में आ रहा था, वो भी तो आपका आज के डेट में गेन बन गया ना. ठीक है, जो आज के डेट में वो तो एक गेन बन गया ना, कि जो भी आपने ट्रांसलेशन पे जो बन रहा था अमाउंट, वो आज के डेट पे तो गेन बन गया. तो बेसिकली 180 का ये भी अमाउंट आना आएगा. अब आपका डिफरेंस जो भी आता है वो गेन ऑन डिस्पोजल हो गया. आप वो डी रिकॉग्नाइज किए, और जो 2PNN गेन ऑन डिस्पोजल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 माइनस दिस वन. तो ये बेसिकली 780 का गेन आ जाता है. और हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, होपफुली दिस शुड बी द आंसर. 780 है, इनका तरीका अलग अलग तरीके से निकाला है, बाकी आंसर इज मैचिंग ओनली. ठीक है, दूसरा देख लेते हैं टेस्ट योर नॉलेज का. इसको क्या करें, इसको किस कैटेगरी में आप बोलते हो लेके जाने के लिए, एक बार चलो सी के कैटेगरी में डाल देते हैं, डन. तो हमने अभी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बेसिकली देखना है. एंटिटी ए हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपीज, ठीक है, हैज एन फॉरेन ऑपरेशन एंटिटी बी विद अ यूरो फंक्शनल करेंसी. ओके, टू क्या बोल रहा है, एंटिटी ए हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी, ए का फंक्शनल करेंसी INR है, बी हुज हैज अ फॉरेन ऑपरेशन बी, बी का फंक्शनल करेंसी क्या है, ये है आपका यूरो. यूरो अब क्या बोलता है, बी इश्यूज परपेचुअल डेट टू perpetual debt to A. It has no maturity denominated in euros with an annual interest of 6%.
the perpetual debt has no issuer call option or holder put option. Thus, contractually, it is just an infinite stream of interest payments in euros. So basically, क्या बोल रहा है कि entity B ने entity A को एक perpetual debt दिया है, जिसमें कोई issuer का न call option है न put option है. मतलब वो call भी नहीं कर सकता, put भी नहीं कर सकता. मतलब holder के पास put option नहीं है और issuer के पास call option. issuer call नहीं कर सकता, holder put नहीं कर सकता, holder put back नहीं कर सकता, issuer call नहीं कर सकता. तो basically इसमें क्या होगा कि आपका settlement होना नहीं है, बस क्या होगा interest का payment होते रहेगा, settlement होना नहीं है और infinite stream of interest का payment होगा. In A's consolidated financial statement, can perpetual debt be considered in accordance with IND AS 21.15 a monetary item for which settlement is neither planned nor likely to occur in foreseeable future? मतलब NIFO के जैसे net investment in foreign operation के जैसे क्या कर सकते हैं with exchange gains and losses on perpetual debt therefore being recorded in equity. सही बोल रहा है, ठीक है, आंसर देख लेते हैं, सेम ही होगा. यस, नेट निफो के जैसे आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, क्योंकि इसमें सेटलमेंट तो प्लान ही नहीं कर रहा है, नो कॉल ऑप्शन है न पुट ऑप्शन है, सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, तो वही है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. और अच्छा, इधर नहीं लिखा, एनालिसिस दिया हुआ, हाँ इसका एनालिसिस दिया है कि आपका पॉपुलर डेट वगैरह है, तो आप एक बार देख लेना. अब आते हैं फाइनली और लास्ट क्वेश्चन. टी वाई के टू को यू कैन इग्नोर एंड दैट इज डन. So, Infotech Global Limited has the functional currency of USD and needs to translate its financial statement into functional and presentation currency of Infotech local dollar. So, Infotech ka functional currency USD hai, and isko translate karna financial statement into the functional and presentation currency of Infotech INC, that is local dollar mein convert karna hai. ठीक है, USD का अमाउंट दिया हुआ है और तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस रेट पे करना पड़ेगा, क्लोजिंग रेट पे. ये का किस रेट पे जाएगा, रिसीवेबल्स क्लोजिंग रेट पे. इशूड कैपिटल रिटर्न अर्निंग का तो रेट दिया हुआ ही है. प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा एवरेज रेट पे जाएगा. ठीक है, अकाउंट्स पेबल एंड अक्रूड लाइबिलिटीज अगेन क्लोजिंग रेट पे जाएगा. कुछ है ही नहीं, और जो भी डिफरेंस आएगा वो FCTR में जाएगा. मैंने आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ पे आपको बताया भी था कि जब ये डिस्कस कर रहा था कि इस पे एक क्वेश्चन है, जो आप फॉरेन ऑपरेशन को कवर करते हो, फॉरेन ऑपरेशन को जब कन्वर्ट करते हो एसेट्स लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, P&L को एक्चुअल रेट पे और रिटर्न अर्निंग शेयर कैपिटल को अर्लीस्ट रेट, तो इसका अमाउंट दिया हुआ डिफरेंस जो है वो FCTR में जाता है. तो आप यहाँ पे देखोगे, ओके, अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, चलो रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं आना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर 1.13 एंड एवरेज रेट इज 1.175. सो इसके लिए 1.13 जो कि आपका कौन सा रेट है, क्या आप बोलते हो, इसको सॉल्व करके बता दो, आप बोलते हो तो सॉल्व कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन बेसिकली जो इलस्ट्रेशन नहीं है, TYK3 है. यहाँ पे आप अमाउंट बता दे जाओ, PPE इसके लिए 50,000 रिसीवेबल्स का आ रहा है 9,35,000. रेट हाथों हाथ लिखते जाते हैं, रेट है क्लोजिंग, अगर आप ले रहे हो क्लोजिंग रेट 1.1513, एक डॉलर के बराबर इतना USD है, तो इसको 1.13, इसके लिए भी 1.13 एंड इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है, अगर आप देखोगे उसके बाद अमाउंट जो आ रहा है, इंस्टीट्यूट कैपिटल एंड रिटर्न अर्निंग, शेयर कैपिटल, शेयर
या फिर रिटेन अर्निंग, इसका तो अमाउंट स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली 30.055 and 15274, 15270, 274, ठीक है। उसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना ही नहीं, पी एंड एल, पी एंड एल का आपका एक्चुअल रेट आता है, एक्चुअल रेट क्या दिया हुआ है, एवरेज रेट 1.175 एंड द पी एंड एल अमाउंट इज बेसिकली 20,000 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा अकाउंट पेबल एंड अक्रूड लाइबिलिटीज, अकाउंट पेबल अक्रूड लाइबिलिटीज एंड रेट इज यही सेम रेट आ जाएगा, सेम सेम एंड सेम सेम, ये है 840,047,000 47,000। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल, हाँ एक हो गया ये, और यहाँ पे एक टोटल, ठीक है ये हो गया। अब इसका जो भी डिफरेंस आ रहा होगा 847 माइनस, तो इतना का हमारा एफसीटी है रिजर्व बन जाएगा 24375 should be our answer 24376 वही है राउंडिंग ऑफ डिफरेंस 24375.39 हमारा आ रहा था। तो आप देखोगे एग्जैक्टली हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा आप देखोगे कि हमने और टेस्ट योर नॉलेज का तीन क्वेश्चन, तो बेसिकली अगर आपको इतना पता है ये रेट सब पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं तो अपने हिसाब से इसको इग्नोर में डालता हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि वापस से करना चाहिए मुझे ये क्वेश्चन, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना, ये मेरा कैटेगरी है बेसिकली। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं मैं मुझे कुछ और होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये चेंज कर लेना, और ये कैटेगरी आपका कैटेगरी बेसिकली होना चाहिए रादर देन मेरा। ये मैंने मुझे जो लगा कि आपको किस क्या फील हो रहा होगा उसके हिसाब से मैंने कैटेगराइज कर दिया, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू अकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपने इसमें से कितना क्वेश्चन करना है मस्ट एंड सी में, सिर्फ यू हैव टू सी 4 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी, और आपका इंडेक्स खत्म हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। हमने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम किया और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया, बेसिकली हमने स्टार्टिंग मटेरियल का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर डाला और अच्छे से कर डाला। तो होपफुली आपको समझ में आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे, जैसे आप इंडेस 116 के बाद ये इंडेस 21 मैंने लाया, और भी कुछ लाऊं चाहे कुछ कोई अदर सब्जेक्ट्स में लाऊं, तो आप उससे अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड डे।